अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट। पार्ट वन डिस्कस कर लिया था, आज हम उसका पार्ट टू डिस्कस करने लगे हैं। उससे पहले जो कल हमने डिस्कस किया उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ ताकि जो नए लोग आए हैं उनको पता चल जाए। माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट हम नॉन स्टीरियल प्रोडक्ट्स का परफॉर्म करते हैं, और उसमें हमने कल देखा था कि सैम्पल टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट चेक करते हैं, टोटल यीस्ट एंड मोल्ड काउंट ये चेक करते हैं, और ये चेक करने के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसकी वैलिडेशन हमने वो डिस्कस किया था, और जो स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसकी वैलिडेशन के लिए आज हमने वो डिस्कस करना है। स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए हम सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं, और स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें तो हमने सिर्फ मीडिया का ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट लगाना होता था। सपोज जो मीडिया थे TSA था, SDA था या TSB, उसका जस्ट हमने ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट लगाया था। लेकिन जब हम स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं तो उसका हम ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट तो लगाएंगे ही सही, उसके साथ साथ हम उसका इंडिकेटिव एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए भी मीडिया जो यूज़ करते हैं वो भी चेकआउट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़। हम टेस्ट कैसे लगाएंगे? इनाकुलेट करेंगे पोर्शन ऑफ मीडिया विद स्मॉल नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, तो वो सिलेक्टिव मीडिया का हम क्या करेंगे, लेस देन 100 CFU इनाकुलेट करेंगे। अगर सॉलिड मीडिया है तो सरफेस स्प्रेड मेथड के ज़रिए ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। फिर इनको वेट करेंगे स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर नॉट मोर देन शॉर्ट टेस्ट टाइम, जो कि टेस्ट के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है, उस टेम्परेचर के ऊपर हम इनको वेट करेंगे। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? क्लियरली विजिबल ग्रोथ आनी चाहिए ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ में। अगर हमने इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है मीडिया की तो हम क्या करेंगे, इनाकुलेट करेंगे मीडिया को विद एटलीस्ट 100 CFU ऑफ अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हैं वो एक टेबल है उसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इनको वेट करेंगे स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर फॉर नॉट लेस देन, ये याद रखना, वहाँ पे क्या था ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए जो हम इनको वेट कर रहे हैं ना टेम्परेचर के ऊपर, वो था नॉट मोर देन, इसके ऊपर क्या है नॉट लेस देन, लॉन्गेस्ट टाइम स्पेसिफाइड इन टेस्ट। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि ग्रोथ नहीं आनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनाकुलेट करेंगे हर प्लेट की मीडिया को, मीडिया की जितनी भी प्लेट्स होगी ईच प्लेट को हम इनाकुलेट करेंगे वही 100 CFU। फिर हम सरफेस स्प्रेड मेथड के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करेंगे उस मीडिया की प्लेट के ऊपर। फिर इनक्यूबेट करेंगे एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर पीरियड ऑफ टाइम विद इन रेंज स्पेसिफाइड इन द टेस्ट, जो टेस्ट के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है तो उस टेम्परेचर की रेंज के अंदर हम उसे क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे प्लेट्स को। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जो भी कलोनीज आएंगी वो कंपेयरेबल होनी चाहिए इन अपेरेंट्स, जो हम लास्ट मीडिया उसके पिछले मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, इनकी कलोनीज कंपेयरेबल होनी चाहिए। ये एक टेबल गिवन है, इसके अंदर चार चीज़ें बताई हैं कि कौन से टेस्ट के लिए हम कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, उसकी किस कौन सी प्रॉपर्टी चेकआउट कर रहे हैं और कौन सी स्ट्रेन इस्तेमाल होगी। अगर हमने प्रोडक्ट में बायो टॉलरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चेकआउट करने हैं तो मीडिया जो इसके लिए हैं EEB इंटेरोबैक्टेरिसी इनरिचमेंट ब्राथ, ये मीडिया यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी जो मीडिया की चेकआउट करेंगे इस EEB की, ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ भी चेक करेंगे और ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ भी। तो टेस्ट स्ट्रेन जो यूज़ होंगी ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इकुलाई और सोडोमोनास अर्जुनोसा,
ये होगी कि ये इनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा ये मीडिया। और इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ क्या है इस मीडिया की, कि स्टेफ ओरियस की ग्रोथ यहाँ पे नहीं आएगी। दूसरा वी आर बी जी ए, ये एगर है, वो ब्रॉथ है, ये एगर मीडिया है। और इसकी क्या करनी है प्रॉपर्टीज़, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। और इक्वलाई और सोडोमोनास अर्जुनिस टेस्ट स्ट्रेन ये इस्तेमाल होंगी। इक्वलाई टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मीडिया हैं, एक ब्रॉथ है मकान की ब्रॉथ और मकान की एगर। मकान की ब्रॉथ की हम क्या करेंगे, मीडिया की ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। तो ग्रोथ प्रमोशन के लिए हम इक्वलाई की स्ट्रेन यूज़ करेंगे और ग्रोथ इनहिबिटरी चेक करने के लिए हम स्टेफ ओरियस की स्ट्रेन यूज़ करेंगे। और मकान की एगर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट स्ट्रेन यूज़ करेंगे वो इक्वलाई होगी। साल्मोनेला है, इसके लिए आर वी एस ब्रॉथ एंड एक्स एल डी एगर यूज़ करते हैं। और ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज में साल्मोनेला टैफी म्यूरिया, ये ग्रोथ प्रमोटिंग है। और इनहिबिटरी इसका स्टेफ ओरियस है, ये स्ट्रेन है। और एक्स एल डी एगर की ग्रोथ प्रमोटिंग इंडिकेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए साल्मोनेला टैफी म्यूरिया ये स्ट्रेन यूज़ करेंगे। उसके बाद सोडोमोनास अर्जिनोसा चेक करने के लिए हम जो मीडिया यूज़ करते हैं वो सिट्रामाइड एगर इस्तेमाल होता है। और इसकी ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हम स्ट्रेन यूज़ करेंगे वो सोडोमोनास अर्जिनोसा है। और इनहिबिटरी चेक करने के लिए मीडिया की, तो इक्वली हम यूज़ करेंगे। स्टेफ ओरियस चेक करना होगा तो उसके लिए हम मैनिटोल साल्ट एगर MSA यूज़ करते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए स्टेफ ओरियस स्ट्रेन चाहिए। और इनहिबिटरी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए MSA की इक्वलाई की स्ट्रेन चाहिए। इसी तरह कैंडिडा एल्बिकेन्स अगर चेक करना है तो इसके लिए हम सेब्रॉड डेक्सट्रोज ब्रॉथ एंड सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर, ये दो मीडिया यूज़ करेंगे। सेब्रॉड डेक्सट्रोज ब्रॉथ की हम सिर्फ ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टी चेक करेंगे। और इसके लिए जो टेस्ट स्ट्रेन इस्तेमाल होगी वो कैंडिडा एल्बिकेन है, जबकि सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगर के लिए हम ग्रोथ प्रमोटिंग टेस्ट भी करेंगे और इंडिकेटिव टेस्ट भी करेंगे। तो इसके लिए जो भी स्ट्रेन यूज़ होगी वो होगी कैंडिडा एल्बिकेन्स। ये एक टेबल था जिसके अंदर हमने क्या किया, 6 माइक्रोऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस किया और उनके लिए कौन से मीडिया यूज़ होते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेकआउट करनी होती हैं और कौन कौन सी स्ट्रेन चाहिए होती है। ओके, हमारा स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने का मीडिया वैलिडेट हो गया है। अब हम टेस्ट करेंगे उन नॉन स्टीरियल प्रोडक्ट्स की टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग में हम ना दो मेजर टेस्ट हैं इनके, एक है टोटल वायबल एरोबिक काउंट, जिसके अंदर हम सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को काउंट करेंगे कि कितनी इसकी काउंट आ रही है उन नॉन स्टीरियल प्रोडक्ट्स के अंदर। TAMC चेक करेंगे, टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट, या बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है टर्म। और TYMC, टोटल यीस्ट एंड मोल्ड काउंट, ये फंजाई के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये कैसे चेक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये हम TAMC टेस्ट कैसे करेंगे, TYMC कैसे करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मेजर टेस्ट मेथड है वो है टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन सी हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वन बाई वन करके सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो तो सिर्फ था इन्यूमरेट करता था कि टोटल बैक्टीरिया और फंजाई कितने हैं प्रोडक्ट के अंदर, नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट के अंदर। जबकि स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये क्या करेगा, स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं या मौजूद नहीं है इसका बताएगा सिर्फ। दूसरा, ये सेमी क्वांटिटेटिव भी है, वो किस लिहाज से, कि इसके अंदर बाई टॉलरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर चेक करने हुए तो उसके लिए ये सेमी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टेस्ट लगाते कैसे हैं, TAMC, ये दो मेजर टेस्ट हैं, टोटल वायबल एरोबिक काउंट और टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन बाई वन ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।